हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो एक्सपेंशन जॉइंट असेंबली ड्राइंग, जिसमें इससे पहले भी मैं असेंबली ड्राइंग की कई वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे कि नकल जॉइंट है, स्पिगोट एंड सॉकेट जॉइंट है, लंबर ब्लॉक है, यूनिवर्सल कपलिंग है, टूल पोस्ट है, फुट स्टेप बेयरिंग है, गिव एंड क्वार्टर जॉइंट है, स्टफिंग बॉक्स है। इन सब की लिंक दिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें डायरेक्ट क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर हमारी एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें बहुत सारी वीडियो डले हैं मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के नाम के जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, और एक असेंबली ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर भी देख सकते हैं जो जिसमें असेंबली मिलेंगी। इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर, जो सामने आपको दिख रहा है ये इस तरह का एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें लिखा होगा कि इन सभी पार्टों को आपको असेंबल करना है, उसका फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। लेकिन मैं इस वीडियो में इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू लेकर आया हूँ, तो इन सबको पार्ट्स को असेंबल करना। इससे पहले मैं बता दूं एक्सपेंशन जॉइंट किस तरह का होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये क्या एक्सपेंशन जॉइंट है, इस तरह का होता है, जिसका काम करना किसी चीज को एक्सपेंड करना। मतलब क्या होता है, ऐसे स्टीम होती है, ये जॉइंट पहले तो का किसी पार्ट को होल्ड करके रखता है, और इसके अंदर से स्टीम रहती है। एक्सपेंड थर्मल एक्सपेंशन मतलब होता है किसी का टेम्परेचर ड्रॉप करना और प्रेशर को ड्रॉप करना, और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण ये एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो इसका यूज समझ गए होंगे आपको। इसके अलावा मैं और भी इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, उन पार्ट्स को भी हम एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे यूज का समझ गया क्या है, अ जॉइंट दैट मेक्स अलाउंसेस फॉर थर्मल एक्सपेंशन। मतलब कुछ अलाउंसेस दिए रहते हैं किसके, थर्मल एक्सपेंशन के लिए। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब बताया कि टेम्परेचर कम होना, प्रेशर कम होना, लेकिन वॉल्यूम का बढ़ना, ये होता थर्मल एक्सपेंशन, है ना। जैसा मैंने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द पार्ट्स जॉइंट विदाउट डिस्टोर्शन, जो पार्ट्स जॉइंट है वो किसी बिना किसी डिस्टोर्शन के एक्सपेंड हो। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट लगे, ये पार्ट दिख रहा है फर्स्ट, ये जो हमारा पहला पार्ट है जिसे बॉडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पहला पार्ट है। इसके बाद हमारे दो पार्ट लगे हुए हैं, कौन सा, ए ए और ए, तीन पार्ट लगे हुए हैं। लास्ट में ए जो पार्ट दिख रहा है, ब्रॉस लाइनिंग जहाँ पर लिखा हुआ है, ए वाला पार्ट ये यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर चार नट, एक दो तीन चार नट लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है फोर नट्स। अब जब इसका हम इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू बना, इस तरह से बनाएंगे, तो याद रखें एक नट ए आएगा यहाँ पर, एक नट ए आएगा और एक सेंटर में नट आएगा ओनली। तीन नट दिखाएंगे फ्रंट व्यू में, क्योंकि उधर का नट दिखाई नहीं देगा, ये नट एक ही लाइन में आएंगे, इधर का नट और उधर का नट। तो हम याद रखें तीन नट बनेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक सेंटर में बनेगा और दो इस साइड बनेगा, एक इस साइड। अब इसकी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं हम। अब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है अलग अलग पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट ये जो बॉडी है, इस पार्ट को हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। याद रखें अब इसकी डायमेंशन वो बहुत ज़्यादा देखें, जो कि ड्राइंग में बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसकी सारी डायमेंशन हाफ लेंगे, मतलब 2 mm इजकल टू 1 mm कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रख के चलें। तो जैसे हम यहाँ पर 220 लिखा, 130, जहाँ भी कुछ भी डायमेंशन लगी उसको हम हाफ करके ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सेंट्रल लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हम जो आउटर लाइन है सबसे पहले बना लेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये कितनी है, 12 है, 22 है, तो 11 लेंगे। तो यहाँ से 11 करेंगे और फिर इधर कितना आएंगे, 110, जी की 220 है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक कितना आएंगे, 110, 110 के इधर भी कितना आएंगे, 11, क्योंकि 22 है, 11। जैसे मैं बताते जाऊंगा हाफ डायमेंशन सारे लिखे। ठीक है, अब इधर कितना आएंगे, ये कितना 22.5। वो कैसे निकालते हैं कि यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस और इस पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस एक दूसरे से माइनस कर देंगे, जो भी डिस्टेंस आएगी उसका आधा करके, कितना आधा यहाँ से यहाँ होगा और यहाँ से यहाँ होगा। लेकिन याद रखें आधा करें 110 से, ना कि 220 से। ठीक है, 110 में से हम 130 का आधा कितना होता है, 65, उसको माइनस करेंगे फिर आधा देंगे, तो 22.5 बचेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से 22.5 आएंगे, फिर हम नीचे कितना आएंगे, 25 आएंगे, 25 के बाद फिर से इतना आएंगे, कितना आएंगे, ये हमारी डायमेंशन कितनी है, जो कि यहाँ पर देखिए 7.5, जी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, इसका गैप नहीं देखे हम, यहाँ से यहाँ तक कितना 15 है। ठीक है, लेकिन आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो ये चौड़ाई ये ऐसी एक जैसी आई है 7.5 की, इधर 7.5 कर देंगे, फिर से यहाँ तक कितना आएंगे, 35 आएंगे, फिर इधर 7.5 चलेंगे, फिर नीचे कितना आएंगे, 50 लिखा है, जो कि यहाँ पर कितना है, 100 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इधर इधर देखेंगे कितना आएंगे, जो कि यहाँ पर देख लेते हैं कितना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 275, लेकिन इसका आधा लेंगे, तो आधा लेके बाद क्या करें, सेंटर से आधा इधर और आधा इधर बना देंगे, और इसकी चौड़ाई कितनी, यहाँ पर 20 है, तो हम कितना ले रहा है, सभी का आधा ले रहा है, तो 10 बना देंगे। इस तरह ये वाला पार्ट तैयार हो गया। अब अंदर का कैसे ए बनाएंगे, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, 43.5 है, कैसे निकाली मैंने, देखें आप, यहाँ 22 है, इसका आधा लेंगे, 50 का आधा लेंगे, सभी डायमेंशन आधा लेके चल रहे हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी है, 15 है, तो हमारी कितनी हो जाएगी,
7.5, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 7.5, क्योंकि जो चौड़ाई है एक जैसी आई हुई है, यहां से यहां तक पूरी गई है। 7.5 ऐड कर देंगे तो इस तरह की तो हो जाएगी 43.5 हो जाएगी, तो यहां से यहां तक लाइन कितनी हो जाएगी 43.5। अब हमारा जो कितना डिफरेंस लेके जाना, 7.5 का लेके चलना, क्योंकि एक्चुअल में 15 है तो हम सभी डायमेंशन आधा लेके चल रहा है, तो ए पर यहाँ पर कितना 7.5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा जो लिखा हुआ है 35, जितना ये कहाँ से यहाँ से यहाँ तक है 70 तो मतलब 35 है, इतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, 70 मतलब 35 होगा आधा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, फिर से इतना ही छोड़ देना, ये कितना छोड़ देना 15 छोड़ देना, और यहाँ से यहाँ तक कितना 100 है, तो 100 पूरा खींच देना है यहाँ तक, ठीक है। या फिर यहाँ तक 15 छोड़ देना, यहाँ तक कितना 100 है, 100 में 15 माइनस कर देंगे, बचेगा यहाँ तक जो भी बचेगा उतना यहाँ तक खींचेंगे, फिर 20 नीचे वो 20 खींचते, इस तरह डायमेंशन आप जोड़ देंगे। इस तरह पार्ट पहला पार्ट बनना बहुत आसान है। अब ये कर्व बनाना, तो आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं और इसके 8.5 का कर्व लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आएगा ऑल डायमेंशन, ये हम देखें इसकी चौड़ाई कितनी है, याद रखें एक्चुअल में 15 है लेकिन हम हाफ डायमेंशन ले तो 7.5 है, सिर्फ इसकी चौड़ाई 15 है, ठीक है। इसका भी गैप यहाँ लिखा है 7.5 है। अब सेकंड पार्ट कौन सा, ए वाला, तो इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे मतलब इस लाइन से इस लाइन को डायरेक्ट, क्योंकि 170 इसका है, 170 इसका भी है, तो इस लाइन को इस लाइन से ओनली टच करा देंगे, और बकाया 170 इसका हो गया, तो 170 मतलब आधा, 170 का आधा लेंगे डायमेंशन, तो इस सेंटर से आधा आधार मतलब इस जो यहाँ पर बना हुआ है, इस ये जो पॉइंट है उसको नीचे की ओर खिसका देंगे, कितना 70, फिर 20 का हमारा ये बना, इसको इस हिस्से को बना देंगे। देख रहा है जैसा कि ये पार्ट जो लगा हुआ है सेकेंड वाला, कौन सा, ये वाला पार्ट, इसको सीधा लगाना है, ये जो डायमेंशन ऑलरेडी उसको एक्सटेंड कर देना, कितना 70, जो कि 70 लिखा लेकिन हम कितना लेके चलेंगे 35, क्योंकि आधा ले रहे हैं, यहाँ तक 35 कर देंगे। अब यहाँ बाहर का, बाहर की डिस्टेंस देखें तो जो भी 275 है उसका आधा लेके सेंटर लाइन से आधा इधर खींच देंगे, आधा इधर खींच देंगे, तो हमारी ये टोटल लाइन इधर मिल जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी 20, और 20 चौड़ाई लेके इधर ऐसा मिला देंगे, इसको इधर से मिला देंगे। अब क्या है, जो हमारी ऊपर से ये तो है इसलिए अंदर वाला कितना 150 है, तो 150 का 75 होता, 75 आधा लेके चला, 75 का आधा भी इस सेंटर से आधा इधर खींच देंगे, आधा खींच देंगे, मतलब जो यहाँ पर लाइन आएगी एक यहाँ पर लाइन आएगी, एक यहाँ पर आएगी जो कि यहाँ दिखने आएगी, इसके बाद हम इसकी सेंटर लाइन खींचेंगे, दोनों की सेंटर लाइन एक ही लाइन आ जाएगी। सेंटर लाइन कितने पे, जैसे 235 पे, 235 का आधा लेंगे, फिर सेंटर से आधा इधर डाल के जो सेंटर लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये जो सेंटर लाइन दिख रही है इन दोनों के बीच में, वो सेंटर लाइन डाल देंगे, और ये जो यहाँ पर नट के लिए स्पेस दिखाया है उसका स्पेस देख लेंगे कितना 16 है, ठीक है 16 है, तो मतलब 8 सेंटर लाइन से 8 इधर, 8 इधर, इस तरह इधर भी 8 इधर, 8 इधर, सेंटर लाइन से 8 इधर, 8 इधर, इस तरह भी सेंटर लाइन से 8 इधर खींच लेंगे। इसकी चौड़ाई 20 है तो 20 लेंगे, इधर भी 20 है तो इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे 10 लेंगे। इस तरह हमारा दूसरा पार्ट इंसर्ट हो जाएगा, जो कि यहीं से स्टार्ट होगा नीचे की ओर। अब हम इसमें थर्ड और फोर्थ पार्ट लगा रहा है, जो पार्ट ए है इस पार्ट को लगा के दिखा रहे हैं। सबसे पहले जैसा रखा हुआ अपन वैसा ही इसको इंसर्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाया है मैंने, देख बताते हैं कैसे इंसर्ट करना है। देखें आप इसकी जो बाहर जो निकली है वो कितनी है 10, ये कितनी 10, इधर से अंदर कितना 40, इस पार्ट से इधर कितना 40, तो हम इस पार्ट से 40 इस पॉइंट पे यहाँ पॉइंट लगा देंगे। जो बाहर का डायमीटर 150 है, इसका भी जो डायमीटर कितना यहाँ पर दिख रहा है 150 है जी, 150 यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन हम 150 नहीं आधा लेके चले हैं, हम तो इतना जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन है वो फिक्स रहेगी, उसी पर हम 40 का 40 दिया, 40 मतलब होता है 20 लेके चलेंगे, क्योंकि हाफ डायमेंशन सभी क्लियर है, तो यहाँ से 20 पे एक मार्क कर देंगे। और ये कितनी 125, 125 का मतलब आधा लेंगे, फिर आधे से आधा लेंगे, 125 का आधा लेके चल रहे हैं, अब यहाँ पर सभी डायमेंशन आधा ले रहा है तो इसको भी आधा लेके चलेंगे, आधा लेंगे फिर आधे का सेंटर से इधर करेंगे, फिर उससे और आधा इधर करेंगे, मतलब 125 का आधा नहीं, 125 से जो आधा होगा उसका फिर सेंटर लाइन से आधा इधर करेंगे और आधा इधर करेंगे, तो ये जो लाइनें हमारी ड्रॉ हो जाएंगी, ये जो इतना बॉक्स बन जाएगा, इतना बॉक्स बन जाएगा, इस लाइन पे हम जो 10 दिया है यहाँ से यहाँ तक मार्क लगा देंगे, यहाँ से यहाँ पर मार्क लगा देंगे, उसको इस टेपर के रूप में ऐसा मिला देंगे, ऐसा मिला देंगे जो कि यहाँ पर ऐसा मिला हुआ है। ए वाला पार्ट तैयार हुआ है, कौन सा, ए वाला। अब हम कौन सा ए पार्ट्स लगाएंगे, ए पार्ट्स का जैसा रखा हुआ वैसा लगाएंगे, लेकिन याद रखें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 35, तो इधर नीचे 35 निकालेंगे, बकाया ऊपर निकाल देंगे, ठीक है इसको देखते चलें। तो अब देखते हैं इसकी जो कितना है 170, जबकि यहाँ पर भी कितना था 170, तो बाहर की जो जो आउटर लाइन है यहाँ पर दिख रहा है, ये तो बाहर जो बाहर की यहाँ तक एक आउटर लाइन है वो कहाँ रहेगी, यहाँ इससे इससे टच कराएगी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है 10, 20 एक्चुअल में लेकिन कितनी है 10, तो यहाँ 10 कम हो जाएगा, 10 यहाँ कम हो गया, जो कौन सा है ये जो 10 है वो कहाँ कम हो गया, यहाँ पर, ठीक है जो अंदर जा रहा है 10 यहाँ कम हो गया, ऊपर कितना बचेगा,
ऊपर कितना बचाना है इसको जो ऐसा कर्व के रूप में 5, तो यहां पर हमने कितना निकाल दिया 5, क्योंकि ये 10 है उसका आधा लेके चलना हमें, तो कितना हो जाएगा 5, लेकिन हमारी जो ऑलरेडी स्टेप बनी हुई 10 तो वो कितनी है यहाँ पर 10, तो ये ऊपर टोटल कितना निकलेगा 1 और 15, कितना निकलेगा फुट मतलब 15 15 निकल जाएगा, मतलब इस लाइन से ऊपर को कितना रखना 15 रखना, समझ में आएगा क्यों रखना, क्योंकि इसकी स्ट्रिप में जाएगा तो ये ऑलरेडी 10 की थी और इसका 10 है तो 5 लेके चल रहा है तो 5 वो हो जाएगा, 15 यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15, 5 यहाँ से निकाल दिया क्योंकि 10 थी तो हमें 5 निकाल दिया, 10 इधर है। अब बचा कितना, जो भी डायमेंशन है यहाँ पर बची हुई है ये कितना है 90, हमें कितना लेके चलना, कितना लेके चलना 45, 45 लेके चलना, 15 ऊपर निकल गया बच्चा कितना नीचे, ठीक है 45 लेके चलना किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, लेकिन हमारा इस पॉइंट से मतलब इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 45, तो यहां पर फिक्स आ जाएगा यहां से यहां तक कितना हो गया 45, ठीक है। अब इसके डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर अंदर वाला कितना 125 है 150, ठीक है, जबकि इसके जो अंदर का डायमीटर था कौन सा, इस पार्ट लगा हुआ है, इसके कितने था अंदर का 150 था, इसके बाहर का 150 है, तो बाहर वाला कौन सा हुआ, ठीक है ये हमारा एक जो सेकंड पार्ट था कौन सा वाला था, ये वाला था, लेकिन अब ये जो दो लाइन दिख रही है यहाँ पर दो लाइनें वो किसकी हैं, इसकी हैं, 150 वाली ये वाली लाइन थी हमारी, तो वो उसी लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी जो लाइन थी 125 का आधा, फिर आधा आधा लेंगे सेंटर से, सेंटर लाइन से इधर आधा लेंगे, इधर आधा लेंगे, तो वो कौन सी लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हमारा इस पार्ट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये जो पार्ट है ब्रास लाइनिंग जहाँ पर लिखा हुआ है, इस पार्ट को हम नीचे से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब याद रखें 125 है तो कहाँ पर, ये यहाँ से ये लाइन दिख रही है, इस लाइन से ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि इसका डायमीटर सेम है, तो 125 वाली लाइन कौन सी आएगी, 125 वाली लाइन तो बाहर आएगी, ये वाली होगी, लेकिन इसके अंदर का कितना है 100 और इसकी आउटर लाइन का कितना 120, तो इस लाइन को यहाँ से नीचे की ओर फिक्स करते हैं। तो इस लाइन के जैसा मैंने बताया था जहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट लगा था उस लाइन से सेंटर लाइन से 100 है, या फिर अपन बाहर की लाइन बना सकते हैं, पहले जैसा भी आप 100 है, 100 का 50 होता तो सेंटर लाइन से 50 का 25000 मतलब जो यहाँ पर पार्ट लगा था उसी लाइन से नीचे की ओर जाना, ये जो लाइन है ये दिख रही है, इसका टोटल डायमीटर वैसे 100 है लेकिन हम आधा लेकर चल रहा है तो इसका टोटल डायमीटर 50 है, मतलब 25 इधर सेंटर लाइन से नीचे एक यू लाइन खींच दी, कितनी हाइट तक 300 हाइट तक, नीचे वाई लाइन ए लाइन 300 तक खींच दी, इतना बीच में गैप छूट गया क्योंकि यहाँ तक ही पार्ट लगा मेरा। अब बाहर का कितना 120, तो हमने दे 120 का आधा 60 का मतलब 30 इधर ये जो लाइन दिख रही है ये वाली लाइन नीचे की ओर आए, इसका जो बीच का गैप कितना 22 मतलब 11 लेके चल रहा है, ये ऊपर की ओर 11 लिया और 11 लिया इसके ऊपर से लाइन आई हुई, तो यहाँ पर ये टकरा जाएंगी, दोनों यहाँ मिल जाएंगी, फिर आपको डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह ये जो पार्ट से हमारा फिक्स हो जाएगा। अब जो लाइनिंग ये दिख रही है ब्रास लाइनिंग लिखा हुआ है वो ऑलरेडी इसके बीच में गैप छूट रहा है, यहाँ पर भी छूट रहा है और इधर भी छूट रहा है, वो ऑलरेडी 5 का गैप छूट जाएगा, 0.25 का इधर, 0.25 का इधर समथिंग छूट जाएगा, तो इस तरह हमारा। अब जो नट लगे हुए हैं उसको नीचे लगा के दिखाता हूँ मैं। अब नट लगे हुए इसमें कुछ नट में कुछ लगाना नहीं लगाया है कुछ पार्ट्स, तो इसको मैं बता देता हूँ। ये जो नट लगे हैं वो यहाँ पर लगेंगे, जो कि सेंटर लाइन दोनों थी, जो कि आपको ये सेंटर लाइन दिख रही थी मैंने ड्रॉ की है, वैसे एक्चुअल 235 लेकिन आधा इसका अपन ने लिया है, तो ये सेंटर लाइन है उस पर लगाना, ये दो पार्ट्स लगे हुए हैं ऊपर और नीचे, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट लगाया वहाँ पर दिख जाएंगे आपको। सेंटर लाइन पर ड्रॉ करना जो इसका डायमीटर है कितना, इसका डायमीटर यहाँ पर दिख रहा है 16 डायमीटर के 4 नट्स लगे हुए हैं, एक बीच में लगेगा क्योंकि एक ही लाइन पर आ रहा है, 4 नट्स लगे हुए, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। अब इसकी जो टोटल डिस्टेंस है जो यहाँ से ये बाहर वाला पार्ट छोड़ते तो यहाँ से यहाँ तक 145 मतलब उसका आधा लेंगे 72.5 की लेंथ पे हमने यहाँ पर नट लगाए। ऊपर का पार्ट यहाँ से मेजर करना, नीचे की ओर मेजर करना क्योंकि हम ऊपर से नट लगाए, लेकिन ये जो पार्ट्स है इसको यहाँ बनाया नहीं है मैंने इस पार्ट्स को, तो आप बना लें इस पार्ट्स को, याद रखें इस पार्ट्स को हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है याद रखें। इसका जो डायमीटर कितना 16 डायमीटर है, ठीक है, तो 16 डायमीटर का हमें यहाँ पर नट लगाना है, जिसकी हाइट आप नट अगर बोल्ट बनाना बताए अगर आपने सीखा होगा तो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसकी हाइट देखें जो कि जो भी हाइट इसकी होगी है ना। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें नट बोल्ट कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी लेंथ निकालते हैं, कैसे डायमीटर निकालते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दूंगा, हो तो वहां से क्लिक करके आप नट
बनाना सीख लें और डायमीटर कैसे निकालते वो भी सीख लें। तो याद रख लें, आप उसी वीडियो से देखें आप कि किस तरह इसकी हाइट निकालेंगे। तो यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर नट लगाना है आपको, इसमें लगा हुआ नहीं है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो आप यहाँ बनाएंगे। ठीक है, याद रखें इसका डायमीटर कितना है, जो डायमीटर दिया वो 16 दिया है टोटल। ठीक है, तो आप वो यहाँ पर लगाएं, और फिर क्या हुआ, जब इसकी लेंथ ऑलरेडी बता दी मैंने, इसका जो डायमीटर है ना, तो याद रखें ये 16 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसका, अब इसका जो डायमीटर 16 हो गया दिख रहा है, तो 8 इधर होगा, 8 इधर होगा। ठीक है, टोटल डायमीटर अगर नट का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो याद रखें हमारा ये डायमीटर कितना है। अब इसके ऊपर जो हमारी थ्रेड बनी हुई है वो कितनी, 1.5 इधर से लेंगे, 1.5 इधर से लेंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है इतनी 90 की हाइट पर थ्रेड बनी हुई है, तो 90 की हाइट देख लें और 1.5 जो हमारा अंदर की ओर, 1.5 अंदर की ओर थ्रेड बना दें आप। थ्रेड बनाने के बाद क्या करेंगे, ये जो नट है इधर से आप लगा देंगे, इससे बिल्कुल लगा हुआ, चिपका हुआ होना चाहिए। तो इसको नट बनाना भी आप सीख जाएंगे, कैसे ये कर्व बनाते हैं, कैसे आर्क बनाते हैं, कैसे नट बनाते हैं। तो नट लगा दें इधर, एक बीच में नट लगाना सेंटर लाइन पर, आधा इधर आधा इधर, सेम जिस तरह जो डायमेंशन यहाँ पर लगाए हो यहाँ पर लगाए वो सेम यहाँ पर। अब हैचिंग करना है आपको, जिस तरह की पार्ट में हैचिंग दी वो उस पार्ट को वैसी ही आपको हैचिंग करना, कुछ भी हैचिंग में परिवर्तन नहीं करना। डिफरेंट टेम्परेचर टाइप की हैचिंग होगी जिससे कि अलग पार्ट्स हमारे नजर आए, जैसे ये दिख रही है आपको बाहर वाले पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हैचिंग है जिसको बॉडी बोलते हैं, जिस तरह की हैचिंग है उसी तरह की हैचिंग कर दी मैंने। अब सेकंड पार्ट्स में जिस तरह की हैचिंग है उसको भी उसी सेम हैचिंग कर दी मैंने, जैसे सेकंड यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लगा हुआ है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर लगा हुआ है वो, जैसा ग्लैंड लगा हुआ पार्ट्स, उसकी सेम हैचिंग कर दी जैसे कि यहाँ पर दी है। अब हमारे जैसे थर्ड और फोर्थ ए और इसको पार्ट लगा, ए वाला पार्ट जो यहाँ पर लगा हुआ है, जिस तरह की यहाँ पर हैचिंग दी उस तरह की हमने यहाँ पर हैचिंग कर दी है, और इसमें जिस तरह की हैचिंग की वो वाला कहाँ पर, यहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ पर, जिसको ग्लैंड बुश बोलते हैं वो कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, उसको उस तरह की हैचिंग कर दी। अब यहाँ पर हमारा जो पैकिंग मटेरियल है, यहाँ पर जो खाली जगह बची है वहाँ पर पैकिंग मटेरियल का, जो कि जिस तरह बुट का सिम्बॉल होता है उस तरह का, हम यहाँ पर कुछ इस तरह का सिम्बॉल बना के हम यहाँ पर जो लेदर वगैरह का मटेरियल होता है वो उस तरह का, हम की जो सिंबल होते हैं उस तरह का यहाँ पर हम हैचिंग करेंगे, उस तरह का सिंबल बना देंगे जो पैकिंग मटेरियल के लिए जगह बचती है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट व्यू था, आपको समझ में आया होगा सारे पार्ट्स के नाम है यहाँ पर जो दिए, उस पार्ट को यहाँ पर नाम से लिख देंगे, 2 mm बराबर 1 mm हमने यहाँ पर कंसिडर किया वो लिख देंगे, तो इस तरह हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो जाएगा। ये नट का याद रखें, यहाँ पर एक हिस्सा बनाना, कौन सा वाला, ए वाला आप बना लें, जो नट बोल्ट बनाने की हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो नट को आप सही से बना लें, याद रखें इसी ये वाला हिस्सा, ये भी यहाँ पर एक हिस्सा बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ये जो हिस्सा है दिख रहा है, ये वाला नीचे जो जो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा दिया मैंने, यहाँ पर लगा दिया, इसको भी लगा लें। अब मैं इसका साइड व्यू बताता हूँ बहुत फास्ट। तो ये जैसे कि हमारा ऐसा रखा हुआ था साइड व्यू, यहाँ से नीचे से देख रहे हैं जैसे, तो इस तरह का हमने ये दिखाने के लिए समझाया, इसलिए इसको हमने पार्ट को ऐसा रख लिया है। हाँ, पर कौन कौन सर्कल आ गए पहले तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सर्कल कौन कौन से आएंगे हमारे पास। ये सर्कल हमने यहाँ पर डायमेंशन दिए, जैसे 50 का सर्कल है, 65 का सर्कल, 85 का है, 110 का है, 1.5 का, 137.5 का, ये सभी हाफ हाफ डायमेंशन है, जो कि यहाँ की फुल डायमेंशन जो कि हमारे क्वेश्चन में दिए उसकी सब हाई पर, क्योंकि हमने जो डायग्राम खींचा हम उसके लेंगे। जैसे यहाँ पर 110 दिख रहा है और यहाँ पर कौन सा 110 दिख रहा है, तो जो भी हमारा यहाँ पर सर्कल है वो आएगा, ये सेंटर वाला सर्कल आएगा, सेंटर की तरह आएगा। ठीक है, जो ऊपर से हम जो साइड से देख रहे हैं, जो हमारे क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से, वो फुल सर्कल आएंगे। जैसे ये क्लियर दिख रहा है अंदर वाला सर्कल, तो जिस तरह दिख रहा है ये डॉट डॉट नहीं बना हुआ, पूरा बना हुआ है, पूरा जैसा का तैसा आएगा। ठीक है, अंदर वाले सर्किल बने हुए हैं वो यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा सर्किल है वो 65 का है, मतलब 65 मतलब 130 का जो यहाँ पर डायमेंशन थी, 130 का आधा 65 होता है, तो वो क्या यहाँ से देखने पर क्या हो रहा है, अंदर की लाइन है क्लियर दिख नहीं रही इस पार्ट्स की वजह से, तो वो कैसी होगी, हिडन हो जाएगी, तो वो डॉट डॉट आएगा। इस तरह ये वाला जो दिख रहा है 85 होता है, 85 का कितना होता है 170, मतलब 170 वाला सर्कल है, वो भी डॉट डॉट आ रहा है क्योंकि अंदर वो भी छुप रहा है इन पार्ट्सों को फिक्स करने से। अब होता है 110 वाला, 110 वाला भी हमारा कैसा फुल आ रहा है, क्यों, ये बाहर का सर्कल दिख रहा है तो ये बाहर से क्लियर दिखेगा साइड व्यू में, तो 110 वाला हमारा बिना डॉट डॉट के क्लियर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 117.5 वाला सर्कल डॉट डॉट है, ये हिडन सर्कल हो जाएगा अंदर अंदर वाला, है ना, ए वाला जो अंदर है, तो वो कितना, वो कैसा आ जाएगा, डॉट डॉट आ जाएगा। और जो बाहर वाला सर्कल है, जो क्लियर वाला जो अपना सबसे बाहर वाला सर्कल है, ये यहाँ से यहाँ तक वाला,
तो वो कितना 137.5, इसका जो डबल डायमेंशन होगा उसका आधा लिया है मैंने, वो कैसा पूरा सर्किल आएगा। तो ये जो सर्किल के हमने डायमेंशन दिए हैं यहाँ पर, इनको फुल देख लें हमारे क्वेश्चन में, उससे आपको पता पड़ जाएगा कौन कौन सर्किल ड्रॉ करना। ठीक है, डॉट डॉट हमने बताया, जो हिडन हो रहा है वो डॉट डॉट है, और जो हिडन नहीं है क्लियर दिख रहा है वो हमारी फुल लाइन है। ये अब इसके बाद हमारे नट, चार नट लगाना है जो कि सेंटर लाइन इस तरह की रहती है। तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, कैसे लगेंगे? जो नट का डायमीटर टोटल 16 है, तो फ्रेंड्स जो नट का डाय जो अंदर का जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, होल है छोटा सा है ना, उसको फोर लेकर भी बना सकते हो, लेकिन जो बाहर का जो नट बनाने का तरीका है, जो अंदर का पूरा सर्किल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा इसका डायमीटर रहता है, इसका कितना बीच का 16 था, 8 इधर आ रहा है, मतलब 24 का इसका डायमीटर होगा, 16 का, 16 का डायमीटर लेके यहाँ पर पूरा ऐसा सर्किल खींच देंगे। सर्किल के बाद हमें जैसा बनाना है ये सर्किल के टेंजेंट ऐसा खींचेंगे वैसा खींचेंगे, फिर जो बड़ा सर्किल होगा जो 16 डायमीटर खींचा है उसकी टेंजेंट ऐसे खींच देंगे, और फिर इसको क्योंकि हमें हाफ इधर दिखाना तो इसलिए यहाँ पर ऐसा करवा जाएगा। इस तरह यहाँ पर जो सर्किल खींचा हुआ है उस पर ऐसी टेंजेंट खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, और इस तरह की टेंजेंट खींच देंगे। इस तरह ये नट बनाना आप सीख लें, आप नट बनाना ईजी होता है, जो डायमीटर दिया रहता है उसका ही, क्योंकि ये अब इसका यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा, बीच का 16 है, 8 हज़ार का 24 हो जाएगा, इसलिए 24 डायमीटर, तो 16 का डायमीटर के हम सर्किल खींचते हैं यहाँ पर। इस तरह आप नट लगा दें चारों, इस तरह हमारा जो साइड व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, फ्रंट व्यू बता चुका हूँ आपको, तो आप उसकी ड्राइंग करेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इन पार्टों में कुछ प्रॉब्लम आती है लगाने में, इस पार्ट को लगाने में और नीचे वाले पार्ट को, तो वो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स को भी बताएं, और आने वाले वीडियो जिससे और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।